संडास खराब है, हम लोग बाहर जाते हैं। और कोनो दिक्कत होता है? पानी नहीं मिलता है, शौचालय खराब है। कितना दिन से? जब से हम लोग पढ़ते। कितने पढ़ते हैं? 4 में। हमारे यहाँ विद्यालय में मुख्य समस्या तो शौचालय की है। हमारे यहाँ शौचालय जीर्ण छीर्ण अवस्था में है। प्रधान जी से बात हुआ, कहे कि शासन से पैसा आता है तो मैं इसकी मरम्मत जो है विधिवत करवाते हैं, लेकिन न शासन द्वारा कोई पैसा उपलब्ध हुआ, न प्रधान जी द्वारा कोई ऐसी बात हुई। भदोही जनपद सूर्याव ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय छपरिया में शौचालय खराब था, जिसपे मैंने 1.5 साल पहले एक वीडियो बनाया था। वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो के माध्यम से समुदाय को जागरूक और संगठित करते हुए उनके सहयोग से मैं समस्या पे बदलाव ला पाया। पहले सर हमारे विद्यालय में शौचालय नहीं था, हम लोग सड़क डाक के जाते हैं तालाब में, इसलिए हम अब लोग हमारे स्कूल में शौचालय बन गया है, हम लोग अब नहीं जाते हैं सड़क पर। आप द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई गई और इस वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत जो है हमारी काफ़ी कई समस्या जो है सुलभ हो गई। हमारे यहाँ शौचालय की समस्या के साथ साथ हमारे यहाँ बाउंड्री वाल की समस्या बन गया, हमारे यहाँ समरसेबुल लग गया, लैट्रिन की एक नंबर की व्यवस्था हो गई, हमारे जीर्ण छीर्ण कमरों की जो है मरम्मत भी हो गई। इसके लिए हम जो है प्रधान को धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। आपके वीडियो देखने के बाद यह अनुभव हुआ कि हमारे ग्राम सभा में काफ़ी समस्याएं हैं और उसका निस्तारण जल्द जल्द किया जाए। और मैंने अपने पहले ही कार्य योजना में सारे विद्यालयों की बाउंड्री वाल, शौचालय, बिल्डिंग जर्जर मरम्मत सारी चीज़ों पर ध्यान देते हुए हमने अभी तक ग्राम सभा छपरिया और ग्राम सभा महुआपुर का निस्तारण पूर्ण रूप से करा दिया है। मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार समुदाय की समस्याओं पर वीडियो बनाकर उनको जागरूक और संगठित करते हुए समस्या पर बदलाव लाता रहूं। मैं अनिल कुमार, भदोही उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनर्ट के लिए।